कितना बुलाओगे अपना नाम बताओ जी और क्या पूरा प्रकरण है उसमें थोड़ा प्रकाश डालो कि क्या कुछ कैसे हुआ है आपके घर का एक 2 साल का बच्चा गायब हुआ है कैसे हुआ है क्या जानकारी आपके पास में है बताओ। ये दो साल का बच्चा था जी और मैं उनका दादाजी हूँ। नाम दयाराम है मेरा। बच्चे का क्या नाम है? बच्चे का प्रीत नाम है, वो पोता है मेरा। ओके, तो कब से गायब है आपका प्रीत? वो कल 12 से 1 के बीच का गायब है। तो किसी पे शक है आपको? ना जी, कोई शक नहीं। कोई लड़ाई झगड़ा? कोई विवाद? कोई। आज आपने रोड भी जाम किया था, डीएसपी खुद आए थे, रोड जाम उन्होंने खुलवाया था। क्या कुछ आश्वासन दिया है आपसे उन्होंने? 2 घंटे में मोहलत दो, हमें 2 घंटे में कर देंगे आपको काम। तो अभी तो जो एक नहर भी आपके नज़दीक से गुजरती है उसमें भी सर्च अभियान चल रहा है? हाँ, उसमें भी। जो फसल खड़ी है उसमें भी सर्च अभियान चल रहा है? हाँ। अभी तक कोई कामयाबी आपको नहीं मिली? ना जी, ना जी। कौन कौन घर पर थे, कौन नहीं थे, ऐसा कुछ बता पाओ? घर पर एक तो लड़का की दादी थी और एक उनकी मम्मी थी, बस ये 2 ही लोग थे घर पे। हाँ जी, और चले गए सब अपने अपने कामों से। अपने अपने कामों से चले गए। ठीक है, आप कहाँ थे? मैं भी नॉर्मल था। आप नॉर्मल काम से? तो आपको फ़ोन के माध्यम से फिर इसके बारे में सूचना दी? आपने फिर क्या किया? फिर आगे ढूंढा इधर उधर। पुलिस को कितने बजे बताया आपने? पुलिस को हमने थोड़ी देर बाद ही कर दिया था, 112 पर। 112 तुरंत आ जाती है? थोड़ा टाइम लगाया उसमें। तो अभी भी यहाँ पुलिस के अधिकारी हैं, पूरे क्षेत्र में फैले हुए हैं, पुलिस छावनी भी कह सकते हैं। हाँ, लेट ही आए तो आपको उम्मीद है जल्दी आपका बच्चा? देखो जी, उम्मीद तो करनी पड़ेगी। आपका नाम जी? आरजू यादव। तो आरजू, ये जो बच्चा प्रीत है जी, जो गायब हुआ है कल दोपहर से, क्या लगता है आपका? मेरी बहन का लड़का है जी, मैं उसकी मौसी हूँ। अच्छा, तो आपको क्या लगता है, आप भी कल से आए हुए हैं जानकारी? जी, हम कल से आए हुए हैं 5 बजे से। हमारे पास 2:47 पर कॉल गई थी, हम 5 बजे यहाँ पर पहुँच गए थे। अच्छा, तो आपकी जो बहन है उन्होंने कुछ बताया हो इस बारे में? उन्होंने तो यही बताया कि मैं सुलाग के और फ्रेश होने गई थी, सुलाग के चली गई थी, सासू माँ सो रही थी। इससे आगे उसको भी नहीं पता किसने उठाया किसने नहीं। तो ये तो टोटल जो घटनाक्रम है 10 या 15 मिनट का जी, 10-15 मिनट का ही बता रहे हैं। अच्छा, किसी पर शक संदेह है नहीं? यहाँ के तो बोल रहे हैं इनके घर वाले कि हमें तो किसी पर संदेह शक नहीं है, कोई दुश्मनी भी नहीं है हमारी। तो जिला प्रशासन से आप क्या कुछ कहोगे? जी, वो तो अभी तो कार्रवाई कर ही रही है, जुट रही है अपनी कार्रवाई में, तो देखो अब क्या होता है क्या नहीं। पवन नाम। तो पवन, ये आपके गांव का जो मामला है, एक छोटा बच्चा कल दोपहर से गायब है। हाँ जी। इसके बारे में क्या कुछ आपके पास कोई जानकारी है, या किसी इनके फैमिली के बारे में क्या कुछ है कि कोई झगड़ालू स्वभाव का हो या किसी प्रकार की इनकी दुश्मनी आपकी नज़र में हो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है जी, क्योंकि परिवार ने तो अभी तक ये बताया कि कोई दुश्मनी थी नहीं। थी नहीं जी, बिल्कुल। और कल से पुलिस भी और लगभग पूरा गाँव जो सहयोग कर रहा है कि भाई कहीं ना कहीं बच्चा मिल जाए, सुरक्षित घर लौट आए। तो आप क्या कुछ कहोगे इस पूरे घटनाक्रम पे, कितनी जानकारी आपके पास में है? जानकारी तो बस ये है कि जी देख रहे हैं, महकमा भी ढूंढ रहा है, घर वाले भी खूब ढूंढ रहे हैं, पर बच्चे का कोई सुराग नहीं मिल पाया अभी तक। कहीं कोई गुंजाइश हो शक की? कोई शक की तो फिर घर वाले ही बताए जी, इस मामले में तो हमें तो क्या पता। आस पड़ोस के लोग ऐसे तो नहीं है किसी से, न कोई नहीं, घर परिवार वाले न ऐसे झगड़ालू है। आप जो ग्रामीणों ने इस बच्चे की बरामदगी के लिए रोड जाम कर दिया था रेवाड़ी नाथ जी, बिल्कुल, तो वहाँ DSP भी आए थे, क्या कुछ उन्होंने आश्वासन दिया था? 2 घंटे का टाइम मांगा था जी उन्होंने कि 2 घंटे बाद मतलब कि हम आपके बच्चे को या जो भी बात होगी आपके सामने रख देंगे, हमें 2 घंटे का टाइम दिया जाए।